भी ना ज्वाइन ही। ओके चलो हम लोग करते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा डार्क शेड होती है ना, ब्लैक ही। पहले हल्का सा ब्लैक हुई, बहुत लाइट हुई। इसके बाद हाँ साइड साइड की फैब्रिक कलर से स्टार्ट, ब्लैक के ऊपर फैब्रिक कलर को थोड़ा यूज किया। फिर कलर को ये फैब्रिक कलर को ही ऊपर की तरफ थोड़ा लाइट लेते, नीचे के पार्ट पे डार्क, वहां पे ब्लैक था स्विच की, वहां पे उसको ऊपर डार्क करके फैब्रिक कलर को यूज किया। और अभी जितना ऊपर की तरफ जा रहा है उतना टाइम। पहले डार्क अभी जो लाइट पार्ट है उसके ऊपर हमको लाइट लाइटिंग चाहिए, लाइटिंग कलर सैफ्रन वहां पे खत्म हुआ था डार्क शेड। उसके बाद जो हमने थोड़ा व्हाइट को मतलब सैफ्रन को लाइट चलाया था ना उसके ऊपर, हमको लाइटिंग कलर को लेके जाने। फिर लाइटिंग कलर भी जितना ऊपर जा रहे हैं उतना धीरे धीरे हल्का कर। पहले डार्क कभी पहले का डायरेक्शन सेम रख, कोशिश करो फिक्स हो जाएगा तो देख। कि बाकी जो हिस्सा यहाँ को येलो कलर को यूज करें। ये साइड में भी थोड़ा ब्राउन दिख, इसको बाद में करते हैं, वन बाय वन जाते हैं। पानी के कलर कर लेते हैं थोड़ा ज्यादा बैठेंगे। ये यहाँ पे डार्क ब्लू पर लाइन दे देंगे। फिर थोड़ा थोड़ा कोई जगह पे येलो कलर दे दिया। अब स्काई ब्लू कलर जगह पे अपने स्काई ब्लू दे दिया। व्हाइट भी छोड़ना है अंदर।
कोई जगह देखो व्हाइट थोड़ा है तो आपको व्हाइट भी चला तो यहाँ अच्छा ये लड़का तो पिंक कलर का ड्रेस पहना तो थोड़ा पिंक का भी शेडो दे देते हैं यहाँ और पिंक के ऊपर व्हाइट को भी यूज कर लेते हैं। और एक चीज ये जैसे पानी की बूंदे गिरे पानी में भी गिर रहा है तो वैसा भी थोड़ा दिखाना चाहिए। जिस डायरेक्शन में मैं बना रही थी उसी डायरेक्शन में पानी के टॉप और थोड़ा ऐड कर दो पानी लास्ट ये साइड का ब्राउन का शेडिंग में भी थोड़ा सा ब्लैक यूज फर्स्ट ये साइड में जो किया था वही चीज हम यहाँ पे भी करते हैं। पहले ब्लैक यूज कर लिया इसके बाद ब्लैक के ऊपर से सैफ्रन यूज करेंगे फैब्रिक को हल्का करके छोड़ देंगे। फैब्रिक ब्लैक के ऊपर यूज किया फिर फैब्रिक को हल्का करके बाद हमने लाइट ग्रीन दिया। लाइट ग्रीन को कहाँ यूज करेंगे ये फैब्रिक का जो लाइट पार्ट था उसके ऊपर से लाइट ग्रीन को यूज करेंगे फिर लाइट ग्रीन को भी हल्का करके छोड़ देंगे। फिर फाइनली क्या कर रहे थे हम लोग येलो कलर यूज कर रहे थे येलो कलर अभी ये खाली जो ठीक है सर ओके और डोर के हाउस के डोर एंड साइड में जो शेडिंग है वो थोड़ा ज्यादा हो गया बाकी ठीक है ओके बाकी आप कंटिन्यू कर लेना अभी मैं वाइंड अप कर रही हूँ ओके।